हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रीति शर्मा, आश्रम प्रोफेसर ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे लाइब्रेरी साइंस का PRS 106 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लाइब्रेरी बजटिंग टेक्निक्स। तो इसमें किस तरह से हम लाइब्रेरी के बजट को प्लान करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। और कितने प्रकार के बजट होते हैं, इनके क्या फीचर्स होते हैं, या फिर इनके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी बजटिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले हम अभी अपने सभी लर्नर्स को बताते हैं बजट क्या होता है। तो बजट आप सभी ने सुना होगा कि बजट हम लोग अपने घर में भी बजट करते हैं किसी भी एक आने वाले साल के लिए, या फिर अगर हम सरकार की बात करें तो हमारे एक एनुअल बजट पारित होता है, रेल बजट पारित होता है। तो इसी प्रकार से हमारी लाइब्रेरी में भी बजट होता है, जिसे हम एक तरह से सरल भाषा में बात करें तो एक साल भर में जो भी हम खर्च करने वाले हैं उसके आय व्यय का एक अनुमानित व्यय जो होता है वो हमारा बजट कहलाता है। और अगर हम डेफिनेशन के थ्रू इसको समझने का प्रयास करें तो विल्सन और टॉबर ने कहा था कि आय व्यय यानी कि जो बजट होता है वो एक निश्चित समय के लिए किसी संस्था के अनुमानित आय व्यय का वित्तीय लेखा जोखा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बजट की डेफिनेशन है। और अगर एक इंग्लिश में डेफिनेशन की बात करें तो बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर नीड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एन ऑर्डरली बेसिस कवरिंग सम और ऑल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एन इंटरप्राइज फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें भी यही बात की गई है कि फ्यूचर नीड्स के लिए जो हम एक अरेंज्ड प्लान बनाते हैं किसमें कितना खर्च होना होगा, तो उसका एक अनुमानित हम लेखा जोखा बनाते हैं, तो वही हमारा बेसिकली बजट होने वाला होता है। जैसे कि अगर सपोज हम बात करें अपने लाइब्रेरी बजट की बात कर रहे हैं तो इसी बात करते हैं, तो हमारे अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना है अपने लाइब्रेरीज में तो उस पर कितना खर्च होने वाला है, या फिर हमें कोई कंप्यूटर्स ले उन पर कितना खर्च होने वाला है, या मैं अपने स्टाफ की सैलरी के लिए कितना खर्च होगा, या जो सर्विसेज सीनियर यूजर्स को प्रोवाइड कराए उस पर कितना खर्च होंगे, या फिर हम कोई एक्टिविटीज प्लान करते हैं तो उस पर कितना खर्च होने वाला है, तो उसका अनुमान वह हम साल भर का पहले से ही प्लान करते हैं। और उसके थ्रू जो अपनी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जो फंड की डिमांड करते हैं तो वही हमारा बजट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं बजट कितने टाइप्स के होते हैं। बजट को कई तरीकों से हम प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि जीरो बेस बजटिंग सबसे ज्यादा यूज होने वाला बजट है, का परफॉर्मेंस बजट हो गया, प्रोग्रामिंग बजट हो गया, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजट सिस्टम हो गया, लाइन बाय लाइन बजट सिस्टम हो गया, लमसम बजट सिस्टम हो गया। तो ये सारे बजटिंग टेक्निक्स हैं या फिर बजटिंग मेथड्स भी कह सकते हैं इन्हें, और इसे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि किस बजट को किस में क्या फीचर्स हैं, क्या किसके डिसएडवांटेज हैं, क्या किसके एडवांटेज हैं। तो सबसे पहले लाइन बाय लाइन बजट की बात कर लेते हैं। तो लाइन बाय लाइन बजट जैसे कि इसमें बताया गया है, लाइन बाय लाइन से आइडिया लग जा रहा है कि लाइन बाय लाइन हम इसमें चीजों के बारे में बताते हैं कि किस चीज पे कितना खर्च होने वाला है, उसका अनुमानित व्यय हम स्टेटमेंट में लिखते हैं, जिसके थ्रू हम पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे हमें इतना चाहिए बजट। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें हम ब्रॉड कैटेगरीज में अपने बजट को लाइन बाय लाइन प्रदर्शित करते हैं। और जैसे कि हमने सैलरीज पे या जर्नल्स पे या जो भी इक्विपमेंट्स हैं तो उन पे कितना खर्च होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद से सब डिवीजन करते हैं। सपोज हमने अगर सर्कुलेशन की बात की तो सर्कुलेशन में भी कौन कौन से मतलब किस तरीके से हम खर्च कर रहे हैं, हमारे स्टाफ की सैलरीज में कितना दे रहे हैं। ठीक है, या सर्कुलेशन में जो टेक्निक्स यूज हो रहे हैं उस पर कितना खर्च कर रहे हैं, तो उसके सब डिवीजन भी हम लाइन बाय लाइन करते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो ये मेथड है इसे हम हिस्टोरिकल बजटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो बजटिंग है वो पुराने बजट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है और हर साल इसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है, यानी कि 5-10 इंक्रीमेंट हर साल होता रहता है, इसीलिए हम इसे इंक्रीमेंटल बजट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह का बजट है और इसकी थोड़े से ड्रॉबैक्स भी हैं और कुछ मतलब इसके फायदे भी हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली कि अगर लाइन बाय लाइन की बात करें तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है और इसमें आप सजेस्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ये इसमें ड्रॉबैक होता है। और इसमें हम अपने प्रीवियस ईयर को ही ध्यान में रखते हुए बनाते हैं, तो हम अपने न्यू अगर कुछ टेक्निक्स हैं या कुछ प्लान करना चाहें तो उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जिस पर्पस के लिए हमने यूज किया उसी पर्पस के लिए हमें उसको खर्च को दिखाना होता है, तो ये हमारे ड्रॉबैक्स हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं।
तो ये सबसे आसान होता है कि इसे इजी टू प्रिपेयर, क्योंकि हम इसे पास्ट के हिस्टोरिकल बजट कहलाता है, तो ये पास्ट के जो भी खर्चे होते हैं उसके बेसिस पे ही हम प्लान करते हैं कि पास्ट में इतना खर्च हुआ था तो इस बार इतना खर्च होगा, और इसमें हम कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। तो ये उन मतलब तो इस प्रकार से हम कहते हैं कुछ ज्यादा हमें सोचने की समझने की आवश्यकता नहीं होती, तो ये इजी होता है। और साथ ही साथ तो इसमें हम इसमें कहते हैं ना कि इसे इजी है क्योंकि इसमें हमें ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी हमारे पास हम पहले प्लान कर चुके हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ये इसके एडवांटेज हैं। तो ये बाई लाइन बजट के बारे में था। और अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला बजट की। तो फॉर्मूला बजट, जैसे कि फॉर्मूला के नाम से ही इसमें प्रदर्शित है कि फॉर्मूला बजट बेसिकली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हर चीज के लिए डिसाइडेड है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल के थ्रू समझने का प्रयास करें तो जैसे लाइब्रेरीज में पर यूजर 5 बुक्स का प्रावधान है कि मतलब एक यूजर को 5 किताबें मिलनी चाहिए, तो उस हिसाब से हम किताबों का यूजर के हिसाब से मतलब फॉर्मूला बना सकते हैं कि इतनी किताबें हैं, इतने यूजर्स हैं तो उनकी इतनी किताबें की रिक्वायरमेंट होगी, और उसके हिसाब से हम बजट बना सकते हैं। या फिर कितने हमारे स्टाफ हैं या कितने यूजर हैं उस पे कितना स्टाफ को हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा, तो उसके बेसिस पे भी हमारा बजट बनता है। तो इस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीकों के फॉर्मूले द्वारा हम बजट को डिसाइड करते हैं, तो यही हमारा बेसिकली बजटिंग फॉर्मूला बजट कहलाता है। और अगर बात करें इसकी एडवांटेज की, तो ये ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि इसमें फॉर्मूला है, तो इसमें आप कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते, ना ही इसमें आप कोई भी कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए एक फॉर्मूला डिसाइड है इसकी वजह से। साथ ही साथ ये इफिशियंसी होती है इसमें आपका, मतलब इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हर चीज के लिए पहले से फॉर्मूला डिसाइडेड है। और साथ ही साथ इसमें आपका डेटा ड्राइवन, क्योंकि सारी सभी का सभी के लिए फॉर्मूला डिसाइडेड है, सभी के लिए डेटा ऑलरेडी मेंशन है कि हाँ इसके लिए ये डेटा यूज होगा और इसके लिए फॉर्मूला एलोकेट है, और इसकी वजह से हम इसको आसानी से मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसका एस्टिमेट भी तैयार कर सकते हैं। और इसका अगर हम बात करें कि इसमें कितना खर्च हुआ लास्ट में, तो फॉर्मूला द्वारा हम वो भी निकाल सकते हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है और हेल्पफुल भी है कंपेयर्ड बाय लाइन बजटिंग के हिसाब से। और अब हम बात करते हैं लमसम बजट क्या होता है। तो लमसम बजट बेसिकली एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक मुस्त हम किसी भी मतलब हमें एक टोटल अमाउंट मिल जाता है अपने पेरेंट बॉडी से, और हम उस बजट को किसी भी पर्पजली हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे लाइन बाय लाइन बजटिंग में क्या था कि हमने लाइन बाय लाइन मतलब हर चीजों के लिए रिक्वायरमेंट की थी कि बुक्स के लिए ये चाहिए, हमें सर्कुलेशन के लिए इतना फंड चाहिए, या फिर हमें सॉफ्टवेयर के लिए इतना चाहिए, या फिर टेक्निकल जो प्रोसेसिंग सेक्शन होता है उसके लिए अलग चाहिए, तो उसके लिए हमें लाइन बाय लाइन बजटिंग थी और उसी सेक्शन में हमें उसको खर्च करना था। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें हमें क्या होता है कि हमें जो भी हमारी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे हम एक अमाउंट साल भर के लिए जो भी अमाउंट होता है कि हमें लाइब्रेरी बजट के लिए इतना 2 लाख या 10 लाख या जो भी हमारा अमाउंट होता है उतना हमें ज़रूरत है, और उसको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग या फिर हम अपने जो भी हमारी प्रायोरिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपने यूटिलाइज कर सकते हैं अपने चीज़ों में, या अपने जो भी ज़रूरतें हैं हमारी लाइब्रेरीज की उसमें हम अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि फॉर्मूला बजट में भी अगर हम देख रहे हैं तो हम उसमें कहीं ना कहीं एक मतलब डिसाइडेड है फॉर्मेट, उसके अकॉर्डिंग हम खर्च कर रहे हैं। लाइन बाय लाइन बजटिंग में भी अकॉर्डिंग टू जो भी लाइन बाय लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम खर्च कर रहे हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हम एक फ्लेक्सिबिलिटी है, हमें एक अमाउंट मिल गया और हम उसे अपने प्रायोरिटीज के अपनी ज़रूरतों के हिसाब से प्राथमिकताओं के हिसाब से जहाँ पे हमें ज़रूरत लगती है उसके अकॉर्डिंग हम उसे खर्च कर सकते हैं। तो एक तरह से ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, सिंपल है, और मतलब क्योंकि इसमें हम ज़्यादा हमें पहले से डिसाइड करके मतलब फंड को क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं होती, और हमें एक मुस्त अमाउंट मिल जाता है और उसको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग अपने प्राथमिकताओं के अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं, जिससे कि जो भी अगर हमें ऐड मतलब ज़रूरत पड़ी उसको हम अपने लाइब्रेरीज के नीड के अकॉर्डिंग खर्च कर सकते हैं। तो इसे एक तरह से हम कहते हैं कि कॉस्ट इफिशेंसी होती है इसके अंदर, सिंप्लीफाइड बजट होता है, फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है इसमें। तो ये बेसिकली ये इसके एडवांटेज हैं
फॉर्मूला बजट भी हमने डिस्कस कर लिया, लाइन बाय लाइन बजट डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं प्रोग्राम बजट की। तो प्रोग्राम बजट की अगर हम बात करें तो प्रोग्राम बजट बेसिकली अगर ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये हूबर कमीशन आया था, जो रिपोर्ट हूबर कमीशन की 1949 में, तो उस कमीशन के द्वारा इसे मतलब स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम बजट को। और इसमें बेसिकली जो भी गतिविधियां होती हैं हमारी, उसको आधार बनाकर मतलब ये बजट तैयार किया जाता है। और इसके मुख्यतः तीन चरणों में इसको दर्शाया जाता है, जैसे कि हमारी लाइब्रेरीज की किस उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है लाइब्रेरीज का। सपोज दैट हमारी लाइब्रेरीज एकेडमिक लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, स्पेशल लाइब्रेरी, तो हर लाइब्रेरीज के कुछ अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो उसको ध्यान में ही रखते हुए हमें अपने बजट को तैयार करना होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें सेकेंड हमारा जो चरण है या उसका स्टेप है, तो उसमें क्या होता है कि हम विभिन्न विकल्पों तथा आयोजित की जा सकने वाली जो हमारी एक्टिविटीज हैं उन पे भी मतलब विचार करना कि कितनी इम्पोर्टेंट है कौन सी एक्टिविटीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिक प्रभावशाली जो भी उसके तर्क होंगे या सुझाव होंगे उनको हमें सिलेक्शन करना है। ठीक है, पहला क्या हुआ हमारी लाइब्रेरीज का मतलब मेन जो हमारी लाइब्रेरीज है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उनमें जो एक्टिविटीज हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, और इनमें फिर लास्ट में जो सबसे बेस्ट हमारे मतलब जो भी एक्टिविटीज हैं या जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है या क्यों करना चाहिए, तो उसके बारे में मतलब बेस्ट चीज को सिलेक्ट करके उसके हिसाब से हम बजट को तैयार करते हैं। तो ये प्रोग्राम बजट है जिसमें कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के नीड एंड गोल को ध्यान में रखते हुए बजट को तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग बजट है जिसमें कि बेसिकली हमारी जो पैरेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ही हमें एक्टिविटीज उनके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही हमें बजट तैयार करना होता है। और इसमें बेसिकली प्रोग्रामिंग बजट में जो ग्रंथालय होते हैं, जो लाइब्रेरीज होते हैं, विभिन्न जो हमारी एक्टिविटीज होती है उनको अलग अलग मतलब वर्गों में बांट लेते हैं और उसके हिसाब से हम उसको तैयार करते हैं कि किसमें क्या चीज खर्च होनी है, एकेडमिक में क्या खर्च होना है या टेक्निकल प्रोसेसिंग में क्या खर्च होना है या डिपार्टमेंट में क्या खर्च होना है, तो उसके हिसाब से हम उसको तैयार करते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि ये हूबर कमीशन रिपोर्ट जो है उसके इन्होंने मतलब प्रोग्राम बजट को पारित किया था, पेश किया था सबसे पहले, और ये उसके अनुसार ये पूछा जाता है कि ये मतलब जो प्रोग्राम बजट है वो किसके अनुसार पारित हुआ, तो ये हूबर कमीशन रिपोर्ट जो 1949 में आई थी उसके अनुसार ये पारित हुआ। तो ये प्रोग्राम बजट के बारे में था। अब हम बात करते हैं प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या है बेसिकली कि प्लानिंग भी है, प्रोग्रामिंग भी है और बजटिंग भी है। ठीक है, तो इसमें जो प्लानिंग का पार्ट भी आ गया आपका कि जो आप प्लान मतलब करते हैं लाइब्रेरीज के बजट के लिए, और इसमें प्रोग्राम के अकॉर्डिंग भी आ गया। प्लान का बेसिकली ये है कि प्लानिंग प्रोग्रामिंग इसमें परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। एक मिनट, एक परफॉर्मेंस बजट भी है जो कि अलग से है, वो आपके परफॉर्मेंस बजट यानी कि जो आपके लाइब्रेरीज की परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें बजट एलोकेट होता है, तो उसको हम परफॉर्मेंस बजट कहते हैं। और ये बहुत छोटा सा पार्ट है और ज्यादातर लाइब्रेरीज में कम यूज होता है, इसलिए इसे डिटेल में ना पढ़ के हम थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे कि परफॉर्मेंस बजट बेसिकली आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखते हुए जो बजट एलोकेट होता है आपको वो परफॉर्मेंस बजट कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होता है जिसमें कि आपकी प्लानिंग भी आती है, प्रोग्रामिंग भी आती है और बजटिंग भी आता है, और इसमें आपकी जो दोनों को मिला के ही बेसिकली ये बना है प्लानिंग और प्रोग्रामिंग बजट को। और ये मतलब जितने भी अभी तक हमने डिस्कस किए बजट, उन सबसे ज्यादा यूज होने वाला बजटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें हम हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारी जो मतलब प्रोग्रामिंग है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कौन कौन से प्रोग्राम जरूरत है उनकी या इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से हमें बजट एलोकेट होता है। और अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये बेसिकली हमारा जो प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है, क्योंकि इसमें हम पहले से सेट करके रखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिकॉज ये हमारे प्रोग्राम जो भैया पहले हमने पढ़ा कि प्रोग्राम बजट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करते हैं, सपोज अगर हमारी स्पेशल लाइब्रेरी है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, या फिर हमारी
पब्लिक लाइब्रेरी से, तो उसके अकॉर्डिंग है हमारे जो बुक्स होंगी, जर्नल्स होंगे, या जो भी प्रोग्राम्स होंगे, एक्टिविटीज होंगी, वो उसके अकॉर्डिंग होंगी। तो उसको जो भी हमारे पहले से ही सेट होते हैं हमारे, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या फिर जो भी गोल होते हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसके जो फीचर्स हैं या जो एडवांटेज हैं, गोल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होता है बेसिकली। और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है इसमें, क्योंकि हमारे मतलब डिटेल इन्फो तरह से आपकी इसमें प्लानिंग होती है सारी चीज़ों की, लाइक किस एक्टिविटीज पे कितना खर्च होना है, उन सब का डिटेल इनमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है। साथ ही साथ इसमें आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, किस एक्टिविटीज पे कितना खर्च होना है, उन सब का भी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी होती है। साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है इसमें, क्योंकि साथ ही साथ डेटा ड्राइवन और डिसीजन मेकिंग दोनों ही चीजें इसमें यूज होती हैं। और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स होते हैं इसमें, क्योंकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को लॉन्ग टर्म के लिए प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, जो कि ज्यादातर यूज होने वाला बजटिंग सिस्टम है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला बजटिंग सिस्टम है। तो अभी तक हमने कौन कौन से डिस्कस किए, हमने लाइन बाय लाइन बजटिंग सिस्टम डिस्कस किया, प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम डिस्कस किया, लमसम बजटिंग सिस्टम डिस्कस किया, प्रोग्रामिंग प्लानिंग बजटिंग सिस्टम डिस्कस किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बजटिंग सिस्टम है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बजटिंग सिस्टम है वो हमारा जीरो बेस बजटिंग सिस्टम है, जो कि लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बजटिंग सिस्टम कहलाता है। और इसे हम जीरो बेस बजटिंग सिस्टम कहते हैं, और इससे अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। तो जीरो बेस बजटिंग सिस्टम और जितने भी हमारे टाइप्स हमने बताए अभी तक आपको, उनसे हमारे बजटिंग सिस्टम बनते हैं। और क्वेश्चन क्या बनते हैं बेसिकली, कि बजटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा, बजटिंग सिस्टम मतलब कौन सा बजटिंग सिस्टम ऐसा है जो कि लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा यूज होता है, और एट प्रेजेंट कौन सा बजटिंग सिस्टम लाइब्रेरीज में यूज होता है। तो उसका आंसर है जीरो बेस बजटिंग सिस्टम। और इससे क्वेश्चन बनता है कि ये जो सिस्टम है, ये बजटिंग सिस्टम ये किसने दिया था, तो ये पीटर फेड ने दिया था 1970 में। तो ये क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ये बेसिकली इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूसेस एंड प्रमोट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये हमारी मतलब जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिड्यूस करती है, और बेसिकली ये रिगिडली बजट होता है इसमें, मतलब इसमें आपका सॉरी फ्लेक्सिबल बजट होता है, रिगिडली बजट नहीं होता ये। इसमें आप बेस स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, या हम कहते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जीरो बजटिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है। ऐसे हमें पुराना ऐसे कोई मतलब नहीं होता कि लास्ट लिए हमने कितना खर्च किया, या कितना हमें प्रॉफिट हुआ, या कितना हमने मतलब बचाया। जो भी चीजें होती हैं वो हमें उससे कोई भी मतलब नहीं होता। हमें एट बिल्कुल बॉटम से, या फिर हम कहते हैं स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है, इसीलिए हम इसे जीरो बेस बजटिंग सिस्टम कहते हैं। और इसीलिए इसे जीरो बेस बजटिंग सिस्टम कहते हैं। एंड सबसे इफेक्टिव बजटिंग सिस्टम की बात करें, तो ये सबसे इफेक्टिव बजटिंग सिस्टम होता है। और इसमें आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं, कि ये स्क्रैच से स्टार्ट होता है, यानी कि जीरो से स्टार्ट होता है, और साथ ही साथ डिसीजन ओरिएंटेड होता है हमारा ये। एंड इसमें सबसे ज्यादा क्लैरिटी होती है, एंड बहुत ही रिस्पॉन्सिव हमारा ये बजट होता है। साथ ही साथ इसमें जो भी मतलब हमारे जो मतलब खर्च होते हैं, जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको उनके लिए हमें जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे और भी क्लैरिफाई होता है कि किसके लिए कितनी जरूरत है। एंड कॉस्ट एंड बेनिफिट जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड, इसमें भी कॉस्ट एंड बेनिफिट हमारे, जैसे कि किस पे हम कितना खर्च कर रहे हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हमें जस्टिफिकेशन पहले से देना होता है, तभी हमें ये फंड या जो भी बजट होता है हमें वो मतलब पारित होता है। और ये थॉट प्रोवोकिंग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके हमारे फीचर्स हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और इसीलिए एक तरह से हम कहते हैं कि ये हमारा लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बजट होता है। और अब हम बात कर लेते हैं कि एडवांटेज कौन कौन सी होती हैं इसकी। तो जीरो बेस बजटिंग बेसिकली सिंपली मोस्ट सिंपलीफाई बजट है, और इसमें हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि अगर कोई न्यू भी मतलब न्यू कमर भी बजट बना रहा होगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसे कोई लास्ट ईयर के खर्चों से या जो भी प्लान किया हुआ उसे कोई मतलब नहीं होगा। तो वो बेसिक से स्टार्ट करके अपनी जो भी मतलब
अपने प्लान है, या जो भी अपना प्लान कर रहा है, या जो भी उसे लग रहा है कि हाँ ये इस पे खर्च होना चाहिए, हमारी लाइब्रेरीज के लिए बेस्ट है, तो उन सबको वो वहां पर दिखाकर बजट को पेश कर सकता है और उसके लिए बजट ले सकता है, ठीक है। एंड ZBB इज ऑल अबाउट बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग अ कल्चर, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। साथ ही साथ सभी चीजों की अकाउंटेबिलिटी विजिबल होती है, क्योंकि सभी का हमने जस्टिफिकेशन मांगा होता है। और प्रीवियस जितने भी बजट अभी तक हमने पढ़े, उसमें कोई जस्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें हमें साथ ही साथ हर चीज का जस्टिफिकेशन देना पड़ता है कि किसके लिए क्या और क्यों रिक्वायरमेंट है। तो इससे भी एक तरह से इसकी अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। साथ ही साथ जो आपका जीरो बेस बजटिंग है, वो उसकी उसकी मतलब बेसिकली उसकी जो हाईएस्ट प्रायोरिटीज पे और हमें ज्यादा ध्यान देना होता है कि किसकी क्या प्रायोरिटीज हमारी लाइब्रेरीज में कौन सी चीजें प्रायोरिटीज पे हैं, तो उसके बारे में भी जस्टिफिकेशन देना होता है कि किसकी मतलब सबसे पहले हमें किस पे बजट, किसके लिए इम्पोर्टेंट है बजट, कौन सी चीजों के लिए हमें जरूरी है बजट, उसको हमें सबसे पहले दिखाना होता है। साथ ही साथ अगर हम बजट किसी पर्टिकुलर मतलब सपोज टेक्निकल सेशन के लिए हमने परचेज बुक बजट को मांगा या रिक्वेस्ट की, और उस पे सपोज खर्च नहीं हो पाया बजट, तो उसकी जगह हम उस बजट जो उसमें से जो बजट है उस पे पूरा खर्च नहीं हो पाया, तो जो बजट में से जो पैसे बचे उसको हम अदर एक्सपेंसेस में, अदर जो भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज हैं उसमें हम खर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारी प्रायोरिटीज, जो कि प्रीवियस बजट में ऐसा नहीं था। जैसे कि लाइन बाय लाइन बजट में क्या था कि हम जिस पे हमने जितना फंड मांगा है उसी पे हमें खर्च करना, और अगर सपोज वो बजट में हमें बुक्स में मान लो मैगजीन या सीरियल्स में हमने 1 लाख का मांगा, ठीक है, और सपोज दैट हम उसमें 1 लाख खर्च नहीं कर पाए, तो उस बजट से जो बचा हुआ अमाउंट है हम दूसरे मतलब किसी भी खर्च में उसे यूज नहीं कर सकते। तो दूसरे बजटों में ये थोड़ी कमियां थी जो कि इस बजट में नहीं है, इसलिए इसे हम फ्लेक्सिबल और मोस्ट मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा यूज करने वाला जो बजट होता है वो जीरो बेस बजटिंग है, क्योंकि हम इसमें नीड एंड प्रायोरिटीज के हिसाब से अपना खर्च कर सकते हैं, ठीक है। लमसम बजट में भी ये बात कही गई थी, लेकिन उसमें ऐसा था कि एक मुस्त अमाउंट मिलता है, उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं मांगा जाता। इसमें जस्टिफिकेशन एवरी मतलब जो भी हमारा नीड है उसका जस्टिफिकेशन मांगता है, बट इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी दी हुई है कि अगर सपोज इट हमने उस पर्टिकुलर जो हमारी मतलब एक्टिविटीज है या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर नहीं खर्च कर पाए, तो वो अमाउंट हम किसी दूसरी जो प्रायोरिटीज है उस पर हम खर्च कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर नीड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा एक तरह से मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो एक तरह से हम कहते हैं जितनी भी हमारी एडवांटेज है उसको ध्यान में रखते हुए ये जो अभी तक हमने एक्टिविटीज या जिसके बारे में फीचर्स के बारे में इसके बारे में डिस्कस किया या जो भी एडवांटेज है उसके बारे में डिस्कस किया, तो ये सारे एक्टिविटीज को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जो मतलब ZBB यानी कि जीरो बेस बजटिंग सिस्टम है वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला बजटिंग सिस्टम है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है और साथ ही साथ सबसे ज्यादा क्लैरिटी होती है। हर चीज के बारे में क्लैरिटी होती है, किसके लिए हम क्यों खर्च करना है, इसकी क्या फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है या किससे क्या फायदा होने वाला है, उस सब के बारे में आपको बजट के पेश करने के पहले ही सारी चीजें आपको जस्टिफाई करनी होती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जीरो बेस बजटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला लाइब्रेरीज में बजट है। तो ये आज हमने बेसिकली बजटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया कि कौन कौन से बजटिंग सिस्टम है और उसके फीचर्स क्या है, क्या नीड एंड एडवांटेज है और उसके मेथड कैसे हमने यूज करते हैं, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया और आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और इसको थोड़ा सा मैं मतलब समराइज कर देती हूँ। जैसे कि आज हमने पढ़ा बजटिंग बजट होता क्या है। बजट से अगर हम बात करें सिंपल की आय व्यय का अनुमानित खर्च होता है जो कि हम साल भर के लिए अनुमानित सोच मतलब स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके हम जो बजटिंग मेथड है लाइब्रेरीज में ज्यादातर यूज होने वाले लाइन बाय लाइन बजट हो गया, लमसम बजट हो गया, फॉर्मूला बजट हो गया, या फिर आपका प्लानिंग परफॉर्मेंस बजटिंग हो गया, और साथ ही साथ जीरो बेस बजटिंग सिस्टम, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप हमें फीडबैक के द्वारा अपना सुझाव और महत्वपूर्ण सजेशन दे सकते हैं। तो इसी शब्दों के साथ मैं इस टॉपिक को क्लोज करती हूँ और बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।